नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाउ टू यूज़ में। आज हम सीखेंगे OTG के फंक्शन कैसे यूज़ किए जाते हैं। मेरे पास ग्लेन का 48 लीटर साइज़ वाला OTG है। आपके पास कोई भी OTG हो, ज़्यादातर OTG के फंक्शन सेम ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर के बारे में जान लेते हैं। इसमें दो एलिमेंट ऊपर की तरफ लगे होते हैं, दो एलिमेंट रोड नीचे की तरफ लगी होती है, बीच में रोटिसरी रोड लगी होती है और पीछे की तरफ कन्वेक्शन फैन लगा होता है। बहुत से OTGs में कन्वेक्शन फैन साइड में भी लगा होता है। तो चलिए अब इसके नॉब के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर ये चार नॉब आपको यहाँ पर मिलती है। सबसे ऊपर वाली जो है, इसके अंदर दो फंक्शन यूज़ करने के लिए आता है। सबसे पहला कन्वेक्शन, जो बीच में फैन वाला निशान आपको दिख रहा है, जब अपन इसको सेलेक्ट करेंगे तो OTG के अंदर कन्वेक्शन मोड ऑन हो जाएगा, पीछे की तरफ जो फैन है वो चालू हो जाएगा। उसके बाद में जब हम सेकंड वाला करते हैं ऑप्शन सेलेक्ट, तो ये एरो वाला निशान आपको दिख रहा है। इसका मतलब OTG के अंदर जो लगी हुई रोटेसरी रॉड है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जब थर्ड वन अपन यूज़ करते हैं, इसमें कन्वेक्शन और OTG के अंदर जो लगी हुई रॉड, ये दोनों एक साथ काम करती है। फैन भी चलेगा और रोटिसरी वाली जो रॉड है वो भी इसके अंदर चलेगी। उसके बाद में नीचे टेम्परेचर वाला ऑप्शन अपन को मिलता है। टेम्परेचर 100 से लेकर 250 डिग्री तक आपको टेम्परेचर इसके अंदर मिलता है। जितना ज़्यादा हीट अपन को करना है उतना ज़्यादा टेम्परेचर अपन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हमें 200 डिग्री टेम्परेचर सेलेक्ट करना है तो 200 डिग्री पे इसको लाके रोक देंगे तो अंदर 200 डिग्री सेलेक्ट हो जाएगा। 250 डिग्री करना है तो 250 डिग्री पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आते हैं फंक्शंस। इसके अंदर तीन फंक्शंस आते हैं। सबसे जो मैंने आपको बताया था, जो अपना एलिमेंट रोड अंदर लगी होती है उसके सिलेक्शन के लिए आता है। सबसे पहले ऑफ से अपन फर्स्ट पे करेंगे। ऊपर ग्रिल का निशान दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो इसके अंदर चलेगा, जो कि OTG के अंदर होते हैं, यहाँ पर जो लगे होते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो चलेगा। जब सेकंड नंबर सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाली ग्रिल आपको दिख रही है, नीचे वाला निशान दिख रहा है, इसका मतलब नीचे वाले एलिमेंट इसमें चलेंगे। जब भी कोई ऐसी चीज़ पकानी है जिसको नीचे से हीट करना है तो अपन इस वाले सेलेक्ट करते हैं, इस वाले मोड को। और जब ऊपर वाला यूज़ करना है, जब ऊपर से किसी चीज़ को पकाना है। उसके बाद जो थर्ड वन है, ये इसमें नीचे वाला एलिमेंट और ऊपर वाला एलिमेंट दोनों ही एक साथ काम करते हैं जब अपन इसे सेलेक्ट करते हैं। दोनों ऊपर नीचे वाला ये तब यूज़ करना है जब अपन को ऐसी चीज़ पकानी है जिसको ऊपर है और नीचे दोनों से हीट करना है। जस्ट लाइक अगर हम बाटी बनाते हैं तो ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अब इसके नीचे हमें जो आता है वो है हमारा टाइमर। इसके बाद टाइमर चलाने के लिए हमें 60 से लेकर 60 मिनट का हमें टाइमर मिलता है। कोई भी रेसिपी हमें यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है आपकी रेसिपी पे हमें कि उस पर क्या टाइमर हमें डालना है कि कोई चीज़ है। जैसे कभी भी हमें इसको यूज़ करना है तो जीरो पे हमने स्टार्ट किया और 60 मिनट तक हम इस पर डाल सकते हैं। जैसे इसका टाइम ऑफ होगा ये अपने आप बंद हो जाएगा। जब भी आप इसे यूज़ करें, इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट ज़रूर करें। 200 डिग्री पे डालने के बाद में टेम्परेचर और टाइमर को 10 मिनट पर लगा दिया और इसको प्री हीट ज़रूर करें। नीचे LED इंडिकेटर आपको मिलता है, जब भी यूज़ करेंगे ये चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।